तो एग्जाम्पल्स हैं ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ के, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम्पल से पहले, अ बॉडी साइमल्टेनियसली हैज टू वेलोसिटीज, वन 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। ये स्टेटमेंट अपने में ही कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसा कभी सुना है कि एक बॉडी की दो वेलोसिटीज हो सकती हैं? एक कार जा रही है, अभी तो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, साथ ही उसकी वेलोसिटी 40 भी है। नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं है। क्यों नहीं सुना? क्योंकि आपने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए वो मोशन इन वन डायमेंशन में है, क्योंकि आपका डायमेंशन ही एक चेंज होता है, एक्स। तो गाड़ी एक ही सड़क पे चल रही है। अभी क्या गाड़ी दो सड़कों पे चलेगी? नहीं, गाड़ी का एग्जाम्पल ही नहीं है, गाड़ी चलती ही 1D में है। लेकिन अगर सपोज करो क्वेश्चन है कि जैसे 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि दो वेलोसिटीज का चक्कर क्या है। सपोज करो आपके पास एक ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से, यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ यू। और कैसे फेंका? हॉरिजॉन्टली फेंका। हॉरिजॉन्टल समझते हो, आप टावर पे चढ़ गए, आपने ऐसे फेंका, नीचे नहीं फेंका, आप चाहते थे कि सीधा ही चला जाए। अगर मान लो अर्थ की ग्रेविटी ना होती, मतलब ही नहीं है कि पत्थर नीचे गिर जाए, फिर हमेशा सीधा ही चलता जाता, तो अपनी अपनी तरफ से ऐसे ही गिरा। पर हुआ क्या, जैसी आपके हाथ से स्टोन निकला, ग्रेविटी ने अपना असर शो कर दिया। साथ ही ऑब्जेक्ट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सीधा जा सकता है, लेकिन फिर ग्रेविटी का असर आएगा और फिर वो क्या होगा, नीचे ऐसे गिरेगी, ये और ये। नहीं, ये तो कार्टून गिरते हैं, वो एकदम जाते हैं नीचे। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे गिरेगी? आगे भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, तो ये ऐसे गिरेगी, राइट? इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली वो वाई में भी कर रहा है। तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली? दो। तो इसको बोलते हैं मोशन इन 2D, या कभी कभी बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर मोशन है। तो अगर इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं, तो आप खुद सोचो, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास एक्स की वेलोसिटी आ जाएगी, और अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास वाई की वेलोसिटी होगी। अगर कैलकुलस यूज करना है, नहीं करना कोई बात नहीं, कॉमन सेंस से सीख लेते हैं। इनिशियली बॉडी को कैसे फेंका गया था? हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं फेंका गया था। तो इनिशियल इनिशियल लिख रहा हूं, फेंकते ही उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? जीरो। सिर्फ उसके पास कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगले ही इंस्टेंट पे क्या होता है, ग्रेविटी अपना असर दिखाती है। ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है? नीचे। तो ग्रेविटी का मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सलरेशन का मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज होना। तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी पहले जीरो थी, अगले ही इंस्टेंट पर ये इंक्रीज हो जाएगी, अगले पे ही ये और इंक्रीज हो जाएगी, अगले पे और इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज 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 ही होती जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? वाई एक्सिस क्लियर है। क्यों इंक्रीज हो रही है वाई की वेलोसिटी? क्योंकि वाई एक्सिस में क्या प्रेजेंट है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात करते हैं एक्स की, यानी कि हॉरिजॉन्टल जाने की वेलोसिटी। देखो, हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी है क्या? इस पेन को अगर मैं छोड़ दूं तो क्या ये एक्स एक्सिस पे मूव करता है? नहीं करता। क्या ये ऐसे मूव किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई फोर्स नहीं लग रही जो कि इस पेन को हॉरिजॉन्टल खींच रही है। फोर्स कहां लग रही है? नीचे लग रही है। तो इससे नीचे की वेलोसिटी चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कोई एक्सेलरेशन ना होने का मतलब समझते हो? अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलस में क्या किया था? डीवी बाय डीटी। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो यानी कि या तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो है या बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन भी राइट क्लियर है। तो अब इसमें जीरो तो है नहीं, तो ऑब्वियसली वी क्या होगा? कांस्टेंट। तो याद रखना, जहां एक्सेलरेशन नहीं है वहां वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर क्या रहेगी? 10, 10, 10 एंड 10 ऐसे। तो अब आपको मानना पड़ेगा कि 2 डायमेंशन में जब बॉडी मूव करती है उसके पास 2 वेलोसिटीज होती हैं, एक आगे जाने की और एक नीचे आने की। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?
कोई डाउट इसमें? तो दो वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट? तो इसके अंदर जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपके पास एक टेबल है, तो वो पूल टेबल, बिलियर्ड्स बॉल खेलते हो तो उसमें एक टेबल है, तो ये मान लो टेबल का कोना है, ठीक है, टेबल का कोना ये रहा। मेरा क्वेश्चन है कि सपोज आपको इस कोने से आपने एक बॉल को फेंक दिया, जो आपने बॉल को फेंका तो वो बॉल इधर जाएगी एक्स वाई प्लेन में, मान लो एक्स एक्सिस है, मान लो वाई एक्सिस है, तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, और ये टेबल ऐसा नहीं है, ये टेबल तो नीचे ही है, और मैंने फोटो खींची इसकी और फोटो खींच के ऐसे दिखा रहा हूँ। अब मैं स्क्रीन को तो यहाँ ग्राउंड पर नहीं दिखा रहा, ये देखो ये टेबल है ऐसे करके, तो मैं स्क्रीन तो यहीं रखूंगा तो टेबल को ऐसा दिखाऊंगा, ये टॉप व्यू है टेबल का। कई लोग नहीं समझ पाते, वो कहते हैं ऐसे कैसे टेबल हो सकता है, ये भी पता नहीं लगता आधे लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, फिजिक्स है ये तो। ऑब्वियसली फोटो तो ऐसी दिख रही है कि टेबल में बॉल नीचे गिरेगी, ऐसा नहीं है, ये टॉप व्यू है, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा इसमें, राइट? तो सपोज करो यहाँ से एक बॉल जाती है, और मैंने आपको क्वेश्चन में दिया कि बॉल की इनिशियली जो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इसकी दो वेलोसिटीज हैं क्योंकि ये दो डायमेंशन में मूव करेगी, तो इसकी एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है 2 meters per second, लेट अस सपोज गिवन है, और साथ ही ये ऊपर भी जा रही है, देखो ये आगे भी जा रही है और ये ऊपर भी जा रही है, तो इनिशियली वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है 1 meter per second, मान लो ये मैंने आपको दे दिया कि किसी भी इंस्टेंट पर इसके पास दो वेलोसिटीज हैं, आगे भी जा रही है बॉल और ऊपर भी जा रही है, मीन इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, यानी कि कहां पर है, 2D में मूव कर रही है। ये बताओ कि इसको मैंने नेट वेलोसिटी क्या दी थी, नेट वेलोसिटी का मतलब दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मतलब टोटल वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट का मतलब आंसर, रिजल्टेंट कुछ नहीं है, रिजल्टेंट का मतलब दो वेक्टर को ऐड करके आंसर क्या होगा उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा ऐसे पूछ सकता हूं, नेट वेलोसिटी क्या होगी ऐसे पूछ सकता हूं, तो नेट वेलोसिटी क्या दी थी। अब ये दो वेलोसिटीज आपको गिवन है, वेलोसिटीज वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स को ऐड करके ही रिजल्टेंट आएगा, नेट वेलोसिटी वेक्टर को ऐड करेंगे तो नेट वेलोसिटी आएगी, और ऐड करने के लिए या तो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। एक काम करते हैं, ट्रायंगल लॉ मेरे को ज्यादा इसमें सही नहीं लगता, तो मैं इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, तो इस वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर, बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो ये रहा इसका डायगोनल रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब है यहां पर या तो आर लिख दो या ऐसे लिख दूं नेट वेलोसिटी, तो ये जो है इसकी नेट क्या होगी, वेलोसिटी, और मुझे यही निकालना है टोटल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी या नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो यानी कि मुझे रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था, रिजल्टेंट यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, वी नेट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था बताओ, रिजल्टेंट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मन में मान लो कि ये वैल्यू ए है मैग्नीट्यूड 2, ये वैल्यू बी है मैग्नीट्यूड 1, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल क्या लेना है, जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उनके बीच में जो भी एंगल है वो लेना है। हम किन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, एक इस वेक्टर को और एक इस वेक्टर को, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है यहां पर 90, तो यहां पर क्या आएगा 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो आपके पास नेट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 5 meters per second आंसर, राइट? क्लियर है यहां तक? तो नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी समझ में आया? ये मत बोलना आज के बाद कि 2 और 1 को ऐड कर दो आंसर 3 आ गया, अगर यही करना था फिर लॉ क्यों करना था। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे रिजल्टेंट निकलेगा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको मैं तो ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा, तो लगा लो आप, दो साइडें हटा दो ट्रायंगल लगा लो तो भी आंसर तो सेम ही है, राइट? पैरेललोग्राम सिमेट्री में बनता है ना, तो ईजी है थोड़ा बनाना, गलती होने का चांस नहीं है। ट्रायंगल लॉ में ना ऑर्डर बहुत देखना पड़ता है, ए ऑर्डर फिर कॉन्टिन्यूस फिर वो क्लोजिंग साइड है, पैरेललोग्राम में चक्कर ही नहीं है, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, बढ़िया पैरेललोग्राम, क्लियर है यहां तक? अब इसमें काफी लोग ये सोच रहे होंगे इतना करने की जरूरत क्या है, पाइथागोरस नहीं लगा ले कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल है,
ये रहा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस साइड का जो मैग्नीट्यूड है ना, इस साइड का जो मैग्नीट्यूड है वर्टिकल में वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2। भाई क्यों वेक्टर करा रहे हो? वो कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, अगर तुमने सोच ही लिया साइड वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर 2 ये 1 तो ये भी क्या है, 1, तो लगा लो ना पाइथागोरस, क्या 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर इज √5। ये ज्यादा बेटर नहीं है? हाँ लगा लो, मैंने मना नहीं किया, यही तो है आंसर, तो सेम ही आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? जब आप इसको वेलोसिटीज को साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप लगा लो, पर ये मत कहना कि मैंने सिखाया, कोई पूछे तो कहना मैंने पैलोग्राम ही लगाया है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पाइथागोरस लगा के वेक्टर सॉल्व करते हो। हाँ मन में सब यही करते हैं कि जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हर बार अगर 2 वेक्टर 90 डिग्री में तो कॉस 90 तो 0 होना ही है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसमें सीधा अपने मन में कैलकुलेट कर भी सकते हो, दिखा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन फॉर्मूला पैलोग्राम का ही बोलना कि मैं रिजल्टेंट लगाया है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ईजी हो गया ना, तो 90 डिग्री वाले क्वेश्चन और आसान हो गए, क्योंकि 2 साइड्स गिवन है और 90 डिग्री पे है, तो तीसरी तो पाइथागोरस से वैसे निकल जाएगी। हाँ जिनमें एंगल 90 नहीं है, हाँ उसमें अंडर रूट ऑफ a² b² 2ab cos θ लगाना पड़ेगा, फिर थीटा आपको देखना पड़ेगा क्या है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बॉडी साइमल्टेनियसली हैज 2 velocities, 1 30 meter per second ईस्ट एंड अदर 40 meter per second नॉर्थ। तो हम एक ये बॉडी है, एक वेक्टर ये ईस्ट बना लो, तो एक वेक्टर बनेगा 30 meter per second ईस्ट और साथ ही एक वेक्टर बनेगा 40 meter per second नॉर्थ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो उसने क्या कहा, फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब ये 2 वेक्टर्स आपको गिवन है, आपने अगर रिजल्टेंट लेना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके पैरेलल ये वेक्टर बनाया नहीं मैंने, वेक्टर तो मुझे बनाना चाहिए यहाँ पर, तो इसके पैरेलल ये वेक्टर, इसके पैरेलल ये वेक्टर, तो ये क्या बनेगा इसका, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज वी वेक्टर, 2 वेक्टर को ऐड करके आएगा तो वेक्टर ही, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैंने सिखा दिया ये 30 है ये 40 है, तो ये भी कितना है, 40 है, तो लगाओ इसमें मन में, वैसे तो रिजल्टेंट लगाया मैंने, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 40 × 30 × cos of angle between 2 vector is 90। ये रहा आंसर, ये आंसर आ गया। अब इसमें ये आधा आंसर है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर और आपको मैग्नीट्यूड के साथ क्या देनी है, डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड कितना है, 50। डायरेक्शन सुन लो, डायरेक्शन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, कौन सा, टैन बीटा। अगर मैं रिजल्टेंट का एंगल बीटा निकाल दूं डायरेक्शन मानी जाएगी, टैन बीटा का फॉर्मूला लगा लो। अब कोई कहता जरूरत क्या, मैंने कहा वो क्यों, वो कहता जी राइट एंगल ट्राइंगल बना तो पड़ा है, सीधा टैन बीटा लगा दो, टैन बीटा इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड, तो ये साइड क्या है 40, ये साइड क्या है 30, आंसर टैन ऑफ बीटा 40/30। मत लगाओ टैन बीटा जो आपने याद किया था, तो फिर आपको जो करवाया क्यों था, ये शॉर्टकट सिर्फ तब लगता है जब एंगल 90 हो, अगर एंगल 90 नहीं फिर आपको बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टैन बीटा का, उसका क्वेश्चन में भी करवाऊंगा आपको, पर इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जहां राइट एंगल ट्राइंगल बने हुए हैं उसमें दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा यहां पर क्या करेंगे, टैन बीटा 40/30, तो कितना आ गया 1.33। अब एक प्रॉब्लम और आ गई, टैन बीटा अगर 1 आता तो बीटा क्या होता 45 डिग्री, बात खत्म, पर मुझे टैन बीटा 1.33 पे बीटा निकालना ही नहीं आता, मुझे क्या पता क्या एंगल बनेगा, बात समझ में आ रही है, मुझे तो पता नहीं क्या एंगल बनेगा, कोई डाउट इसमें, 45 डिग्री से ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, क्यों, सही बोला, टैन बीटा 45 डिग्री का मतलब बीटा आंसर 1 है, अगर एंगल बढ़ेगा बीटा तो tan 90 इन्फिनिटी है, tan 0 0 है, तो एंगल अगर बढ़ता है, tan 0 0 है, एंगल 45 डिग्री पे 1 है, तो एंगल बढ़ रहा है, तो tan बीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो अगर अंदाजे से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वो फंसा लेंगे आपको, 3 ऑप्शन देंगे जिसमें एंगल 45 डिग्री से 1 ऊपर होगा और बाकी सब नीचे होंगे, तो आप
कहेंगे सर ये तो वैल्यू गिवन ही नहीं, मैं तो छोड़ा है क्वेश्चन, टैन बीटा 1.33 छोड़ दिया, ऐसे गलत क्वेश्चन डाल दिया। भाई गलत कहाँ से डाल दिया, वो आपको वैल्यूज बीटा की कोई 40 डिग्री दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, लेकिन एक वैल्यू मान लो 50 डिग्री दे रहा है। पता ही है यार टैन 45 वन होता है, बीटा अगर वन से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो बीटा 45 डिग्री से ज़्यादा, तो वहीं ऑप्शन मार्क कर देना। ऐसा भी कर सकता है वो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको बड़े अच्छे अच्छे एंगल देगा, 60 डिग्री 30 डिग्री, आपको ओके वाह वाह ठीक है आंसर आ गया, देगा 99%, पर ऐसा हो जाता है। नीट में नहीं होता, एनसीईआरटी में नहीं होता, ये सिर्फ मेंस में होता है। नॉन मेडिकल वालों के साथ वो खेल लेते हैं कि नॉन मेडिकल में मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री करके आते हैं, वो देख भी लेते हैं, इतना वो लॉजिक रखते हैं 2 साल के बाद कि वो बना लेंगे। नीट और उसमें सीबीएसई में ऐसा कुछ नहीं करते। अब टैन बीटा 1.33 है। अब मैथ्स के अंदर एक और चीज़ सिखाई जाती है मैथ्स वालों को, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाएंगे मैथ्स के टीचर, जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सुनी है, एक उल्टी ट्रिग्नोमेट्री है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे सपोज करो टैन ऑफ बीटा की वैल्यू अगर 1 है तो पता है कि बीटा कितना है, 45 डिग्री है, डन। लेकिन इसको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू टैन अगर राइट साइड पे लेके जाएं, राइट साइड पे लेके जाएं अलाउड है ये मैथ्स में, अगर राइट साइड पे लेके जाएं तो ये बन जाएगा टैन इनवर्स 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप 45 डिग्री भी लिख सकते हो, आप टैन इनवर्स 1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब ये कहां काम आती है, जैसे टैन बीटा क्या आ गया 1.33। अब मुझे एंगल तो पता नहीं, 45 डिग्री एंगल, अगर 1 होता तो एंगल पता होता, जब एंगल नहीं पता तो फिर टैन को राइट साइड पे लेके टैन इनवर्स 1.33, बस यही आंसर है। जब आप एंगल नहीं निकाल पाएंगे फिर आंसर टैन इनवर्स में छोड़ देंगे। क्लियर है यहां तक, आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें सोचने आपने, बस टैन इनवर्स छोड़ देना है, खत्म, बस यही एंगल है, राइट। तो मतलब वैसे एंगल नहीं आएंगे जैसे हमें दिखते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये ऑप्शन के अंदर एबीसीडी ऑप्शन में यही दिखेगा आपको, टैन इनवर्स 1.33, टैन इनवर्स 2.33, तो वही मार्क कर देना आपने। समझ में आ रहा है यहां तक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दो फोर्सेस हैं, एक 5 न्यूटन और एक 7 न्यूटन, ये एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस बार एंगल 90 नहीं है, 60 है। तो अगर मैं यहां देखूं ये कितना है, कोई वेक्टर 5 है, ये कोई वेक्टर 7 है, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, 60। तो मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। अब रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ये वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर, ये वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर, और ये क्या बन गया, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, वेक्टर में दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक आर की वैल्यू और एक आर की डायरेक्शन। आर की वैल्यू कैसे निकलती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है, 60। सॉल्व करके आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें। ये मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू कर रखी है, ये मैं सोचना कि मैं कोई कॉस 60 फटाफट ऐसे कर दूंगा, तो मैंने तो सीधा लिख रखी है, आप करोगे कैलकुलेट, ये आंसर आ गया। ये आधा आंसर है, आधा आंसर टैन बीटा, डायरेक्शन देनी पड़ेगी, टैन बीटा की वैल्यू, फॉर्मूला बोलो टैन बीटा का क्या है, तो लिख एक टैन बीटा का फॉर्मूला है बी इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू, यही है ना, ये फॉर्मूला है। आप मुझे इसकी वैल्यू देखते हुए बता सकते हो कौन ए कौन बी, मैं बोलता हूँ दो फोर्सेज हैं 5 और 7, कौन ए कौन बी पता नहीं, अच्छा चलो मैं तो ए को 7 न्यूटन बोलता हूँ, कॉपीराइट थोड़ी ना यार, 7 न्यूटन ए नहीं होगा, मेरे यहाँ ए ही चलता है, मेरी मर्जी है, नाम देना है, मैंने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्या करोगे। देखो आपको क्या करना है, दो तरीके हैं, अगर तो उसने डायग्राम दे दिया ऐसा बना के, फिर तो पक्की बात है नीचे वाला वेक्टर ए है और ऊपर वाला, बात खत्म हो गई, ए और बी डन। तो फिर आप यहाँ वैल्यू पुट कर देना बी और ए की, और एंगल थीटा तो 60 डिग्री गिवन है, आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर फिगर नहीं देता तो फिर सीक्वेंस में करेंगे, 5 न्यूटन को मन में क्या लेंगे, ए, और 7 न्यूटन को बी, वो तरीका ही नहीं है, और 5 न्यूटन को नीचे रखेंगे, 7 न्यूटन को ऊपर भी। क्लियर है यहाँ तक,
फिर ए भी पुट करके, ये पुट किया हुआ है मैंने, पुट करके सॉल्व करके ये मैंने कैलकुलेटर से किया है, आंसर ये आएगा। और ये ना सोचना कि अब आगे क्या हम कैसे करेंगे, भाई तुम 1.731 पुट करोगे यहाँ पर, सॉल्व करके आंसर आएगा 1.732, राइट। तो ये आंसर आएगा, पर प्रॉब्लम वही है, टैन बीटा इसके इक्वल है, तो बीटा क्या होगा पता नहीं, तो टैन इनवर्स 0.7132 इज द आंसर। तो समझ में आ रहा है कि पूरा कंप्लीट आंसर कैसे होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसके बेस पे स्टार्ट करो क्वेश्चन। हाँ जी, तो टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो अगर मतलब कि दो वेक्टर्स में से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है तो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, हैव देयर रिजल्टेंट, तो इनका कोई रिजल्टेंट भी होगा आर, हैव देयर रिजल्टेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, वो कह रहे हैं आर या तो ए के इक्वल है या आर बी के इक्वल, ये सब इक्वली इक्वल है, तीनों के तीनों इक्वल है, आपको एंगल थीटा निकालना है, राइट। तो ए बी के इक्वल गिवन है, आर दोनों में से किसी भी एक मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो तीनों इक्वल है, एंगल निकाल लोगे, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख लो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो इसमें ए बी आर तो बराबर है, या तो हर टर्म को ए ए पुट कर लो या हर टर्म को आर 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 पुट कर लो, कुछ भी कर लो, जैसे आर ए के इक्वल है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, सॉल्व करना कॉस थीटा क्या है, चेक करें, स्क्वेयरिंग करें, तो इसमें स्क्वेयरिंग किया तो ए स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसल, तो यहां से माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसल, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, ठीक है। और मैंने हिंट दिया हुआ है कि अगर कॉस थीटा माइनस हाफ है तो थीटा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या आएगा, 120, तो आंसर क्या आएगा, 120।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। में एक फोर्स 3F ले लो और दूसरी 5F, 3x 5x कुछ भी ले लो, तो क्योंकि रेशियो ऑफ फोर्सेस गिवन है, तो आप इस क्वेश्चन में ऐसा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो कह रहा है कि जो दो फोर्सेस हैं उनकी रेशियो 3F और 5F ले लो और रिजल्टेंट कितना है 35, तो R की वैल्यू कितनी है 35 और एंगल थीटा भी गिवन है कितना 60, तो लगाओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला और फोर्सेस निकालो। तो इसमें रिजल्टेंट 35 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3F का स्क्वायर प्लस 5F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3F इंटू 5F इंटू कॉस ऑफ कितना 60, तो इसका स्क्वेयरिंग करते हैं तो 35 का स्क्वायर इज 9F का स्क्वायर 25F का स्क्वायर और 30F का स्क्वायर इंटू कॉस 60 इज हाफ, तो सॉल्व करके क्या आएगा 15, राइट right? तो 35 का स्क्वायर क्या है 1225, इन्हें ऐड करके क्या आ रहा है 49F स्क्वायर, तो F स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लेना 1225 डिवाइडेड बाय 49 और यहां से सॉल्व करके अंडर रूट लेके एफ कितना आ रहा है 5 न्यूटन आएगा, तो डिवाइड करके 25 तो वहां से 5 आएगा, तो एफ अगर 5 आ गया तो पहली फोर्स क्या है 3 इंटू 5 और दूसरी फोर्स क्या है 5 इंटू 5, तो क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक। ठीक समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है। अब ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, आपने देखा स्टार्टिंग से ही में ऐसे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया, मैंने पैरेलोग्राम ड्रॉ कर दिया, मेरे को ठीक लगा, पैरेलोग्राम ड्रॉ किया मेरा आंसर आ गया, फिर मैंने दूसरा किया मैंने फिर पैरेलोग्राम ड्रॉ कर दिया मेरा आंसर आ गया, तीसरे में जरूरत ही नहीं पड़ी रिजल्ट डायग्राम क्यों बनाना, रिजल्टेंट गिवन है आर पुट किया, चौथे में जरूरत नहीं पड़ी जस्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फिगर वो आपको दे रहा है, तो ए बी सी डी की फिगर दे रहा है और एरोज भी साथ दे रहा है, एरोज का मतलब वेक्टर की डायरेक्शन, तो ए बी एक वेक्टर है
ए सी एक वेक्टर है, बी सी एक वेक्टर है और सी डी एक वेक्टर है। इसका मुझे पता नहीं, शायद जरूरत नहीं होगी, इसलिए इसने बनाया दिया नहीं मुझे। ठीक हो गया यहाँ तक। मुझे इस डायग्राम में क्या प्रूव करना है कि ए सी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर यानी कि दोनों के डायगनल का वैक्टर सम इज इक्वल टू टू इन टू बी सी वैक्टर, इसके इक्वल होगा। अब ये टाइप की प्रॉब्लम बड़ी अजीब प्रॉब्लम है क्योंकि उसको देखते तो पता लग ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है, फिर मैं फिगर देख रहा हूँ इसके साथ मुझे तब भी पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। इस टाइप की प्रॉब्लम करने का एक ही स्टाइल है और वो है लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए सी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर देखें, ये अगर मान लो ए सी वैक्टर है, देख रहे हो ये ए सी वैक्टर है, तो आपको एक ट्राइंगल लॉ याद आ रहा होगा कि अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करूं तो एक ए बी वैक्टर है, सेम ऑर्डर में बी सी वैक्टर है और ए सी वैक्टर इसकी क्लोजिंग साइड है, चेक करो क्लोजिंग साइड है। तो ट्राइंगल लॉ लगा दो, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। क्या ये पहली स्टेटमेंट क्लियर है? और फिर मुझे दूसरा क्या चाहिए, बी डी वैक्टर। चलो बी डी वैक्टर कहें, ये रहा बी डी वैक्टर। बी डी वैक्टर में एक मन आ रहा है कि नीचे का ट्राइंगल लूँ, नीचे का ट्राइंगल ले नहीं पा रहा क्योंकि ये वैक्टर गिवन ही नहीं मुझे, पता नहीं कहाँ होगा, छोड़ दो कोई बात नहीं, ऊपर का ले लो। ऊपर के ट्राइंगल में बी सी एक वैक्टर है, सी डी वैक्टर इसको आगे कॉन्टिन्यू कर रहा है, मीन्स सेम ऑर्डर में है, तो ये सेम ऑर्डर में और ये इसकी क्लोजिंग साइड है। तो बी डी वैक्टर इज इक्वल टू बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर। क्लियर है? ये भी क्लियर है यहाँ तक। इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे पुट कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए सी वैक्टर को क्या लिखा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, और बी डी वैक्टर को क्या लिखा, बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर। तो मेरे पास ये चार टर्म्स ये आ गई, लेकिन आंसर नहीं आया क्योंकि मेरे को ये सम कुछ और निकालना है। मुझे क्या प्रूव करना है, टू इंटू बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर का मतलब ये तो मुझे चाहिए पर मुझे ये दो नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो ये कैंसिल होते होंगे, तभी तो मेरा आंसर ऐड करके क्या आएगा, टू टाइम्स बी सी वैक्टर। अब फिर मैंने इसकी इस वैक्टर को देखा, ये ए बी वैक्टर है और ये सी डी वैक्टर है, तो मैंने एक चीज नोट की कि ए बी वैक्टर अगर राइट है तो सी डी वैक्टर लेफ्ट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सी डी वैक्टर नेगेटिव वैक्टर है ए बी वैक्टर का? नेगेटिव वैक्टर का मतलब कि अगर ये ए बी वैक्टर है तो ये माइनस ए बी वैक्टर है, पर एक्चुअल में इसका नाम क्या है, सी डी वैक्टर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सी डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी वैक्टर, राइट? क्लियर है? तो यहाँ से आपको ये पता लग गया ए बी वैक्टर इज माइनस ऑफ सी डी वैक्टर, तो आप सी डी वैक्टर और ए बी वैक्टर को क्या कर, या ए बी वैक्टर को क्या पुट कर सकते हैं, माइनस सी डी वैक्टर, माइनस सी डी प्लस सी डी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, टू टाइम्स बी सी वैक्टर। तो ये रूल समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने, है ना? है तो हिट एंड ट्रायल ही, कि पहले लेफ्ट हैंड साइड भी देखनी है, फिर फिगर भी देखनी है, ट्राइंगल भी देखने हैं, थोड़ा आइडिया आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा, राइट? क्लियर है? इसी क्वेश्चन के अंदर सेकेंड पार्ट भी है, मैंने एडिशन किया दो वेक्टर का, इसके इक्वल प्रूफ करने को आया, अब मैं चाहता हूँ सब्ट्रैक्शन करो, तो ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर इसके इक्वल प्रूफ करो। तो चलो ऐसा करो, ए सी और बी डी वैक्टर तो मैं ऑलरेडी निकाल ही चुका हूँ, पुट कर दिया, इसे ओपन किया, ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर माइनस सी डी वैक्टर। अब मुझे एक चीज़ पता है, बी सी वैक्टर और माइनस बी सी क्या हो गया, कैंसल, तो ये टर्म आ गई, पर जो मुझे प्रूव करना है वो तो आया ही नहीं, टू ए बी, टू ए बी का मतलब मुझे ए बी तो चाहिए, मुझे सी डी नहीं चाहिए। तो मैंने अभी आपको क्या करवाया, ए बी वैक्टर माइनस सी डी वैक्टर, तो सी डी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर, तो आप सी डी वैक्टर की जगह क्या पुट करोगे, माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस, आंसर टू ए बी वैक्टर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने।